एग्जाम के पहले अभी सर ने ऑडियो भी उसमें शेयर किया था, वो सर मेरे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। उसमें सर ने बताया था कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें सर पूरा मतलब जो स्ट्रेस एंजाइटी था सर ने थोड़ा एकदम वो रिलैक्स कर दिया था। आज में पढ़ना है लेकिन रिवीजन ज्यादा करने हैं, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो थ्योरीज में नहीं मिलते हैं ना वो क्वेश्चन में बहुत सारे मिल जाते हैं। सर लगा एग्जाम हो जाने के बाद जो मैंने वीडियोस देखे थे वहां ना, वहां से तो लगा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मायसेल्फ भोजन पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स, जिनसे जानने वाले हैं संघर्ष की कहानी, किस प्रकार से मेहनत किया जाता है और किस प्रकार से सिलेक्शन को लिया जाता है। तो आज इनके संघर्ष की कहानी जानेंगे और साथ ही साथ हम इनसे जानने वाले कि किस प्रकार से टॉप रैंकर्स बनाया जाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 78 के साथ में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बहुत ही बड़ा रैंक है, डबल डिजिट का रैंक है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इतिहास रचता है। अंडर 100 के अंदर रैंक लाने में बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले तो आज इस इंटरव्यू से हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, बहुत सारे संघर्ष की कहानी आपसे जानने वाले हैं। ये रैंक आई तो आई कैसे, किस प्रकार से आपने रैंक को हासिल किया, इन सब के बारे में आज जानने वाले हैं। इस इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो करने वाले आपके अपने इंट्रोडक्शन से। जी सर। सर मेरा नाम शिल्पा देवांगर है, मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना बीएससी नर्सिंग जो है यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कवर्धा से कंप्लीट की है। मैंने 2021 में मैं पास आउट हुई हूँ। उसके बाद से मैं सीएचओ थी 2 साल, उसके बीच मैंने प्रिपरेशन की है। गुड गुड, मतलब 2021 के जब आप पास आउट है और उसके बाद आपने 2023 के सितंबर में आपने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आपने सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स रहते हुए ये कारनामा करके दिखाया, बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल फोन कॉल आते हैं कि सर हम ड्यूटी करते हैं, हम एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, और अब हम जाना चाहते हैं कि हम सेंट्रल की नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए आपका इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस समय वो बच्चे आपको इस इंटरव्यू को देखेंगे कि किस प्रकार से सीएचओ की हेक्टिक ड्यूटी के साथ एक बड़ा रैंक को हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले बताएं कि जब सीएचओ की ड्यूटी कर रहे थे तो ड्यूटी के साथ किस प्रकार आपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया और कैसे आपने पढ़ाई की? जी सर, सीएचओ का जॉब तो बहुत हेक्टिक जॉब है, लेकिन मैंने उसको ऐसा मैनेज किया था जैसे मेरे को 10 से 10 बजे ड्यूटी जाना है और 4 बजे वापस आना है। तो मेरे को 10 से 4 के बीच में जितने भी ऑफलाइन काम है, ओपीडीज देखने हैं, आउटरीच जितने भी काम करने हैं, जितने भी मतलब हॉस्पिटल के जितने भी काम है, मेरे को 10 से 4 में कंप्लीट करना है, और मेरे को घर कुछ नहीं लेके आना है। पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं 10 से 4 ऑफलाइन काम करती थी, घर आके ऑनलाइन काम करती थी। फिर मैंने वो मैनेज किया कि मैं 10 से 4 हॉस्पिटल का काम ही करूंगी, फिर मैं 4 बजे घर आ जाती थी। 4 बजे घर आ जाने के बाद मैं 1 घंटा फ्रेश फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर 6 बजे बैठती थी, फिर 2 घंटे पढ़ाई करती थी, फिर खाना वाना खा के फिर से मैं 9 बजे बैठती थी, वही 12-1 बजे तक करती थी। फिर मम्मी मेरे को डांट के सुला देती थी कि सोचा बहुत रात हो गई है काम करेगी। मम्मी बोला करती थी बेटा अब ज्यादा समय तक दागना नहीं है और जल्दी से जल्दी सो जाना है। तो मैं इस समय एक और मेरे क्वेश्चन मन में आ रहा है कि हाँ, लगातार आप मेहनत कर रहे थे, सीएचओ की भी ड्यूटी कर रहे थे, तो आप मुझे बताएं कि ये जो पहला एग्जाम था तो सीएचओ की ड्यूटी के साथ, या इससे पहले भी कोई और एग्जाम दिए थे जिसमें आपने सफलता हासिल की, या क्या हुआ उसके बारे में भी बहुत सारे बच्चे इस समय जानना चाह रहे हैं। सर मेरा प्रिपरेशन के साथ ये सेकेंड अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट प्रिपरेशन के साथ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो है 3 जून को था, जो नॉर्थ 4 हुआ था। उसमें मेरी रैंक तो बहुत ज्यादा आई थी, माइनस मार्किंग मेरा बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब 105 मेरा सही हुआ था, बाकी मेरा 69 मेरा पूरा रॉन्ग हो गया था। इसकी वजह से मेरा परसेंटेज उसमें 38 समथिंग कुछ ऐसा कुछ बना हुआ था।
ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब तैयारी की शुरुआत है, आपके मन में था कि यार अब मुझे पासिंग हो गए हैं और उसके जस्ट बाद में आपको सीएचओ की जॉब मिल गई, तो ये मन में कब से ये ज्वाला उत्पन्न हुई कि हाँ यार मुझे एम्स में ही जाना है? सर नवंबर 2022 में मेरे ना तीन चार जो सीनियर्स दीदी लोग हैं उन लोग का एक साथ सबका सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम से मेरे में था कि हाँ मेरे को भी जाना है और सीएचओ में हूँ तो क्या हुआ, फिर भी मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ, टाइम निकाल सकती हूँ, मेरे को निकालना है। ओके, तो वहां से आपके मन में आया कि यार दीदी लोग तो निकल चुके हैं और हम भी सीएचओ की जॉब के साथ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप रणनीति बनाई, किस प्रकार से आपका टीएनसी के साथ जुड़ा हुआ और किस प्रकार से आगे की ओर रणनीति बनाई कि हाँ मुझे ये सारा काम टीएनसी के साथ मिलकर करना है? जी सर, वो जैसे दीदी लोग का एग्जाम हो ना, दीदी लोग जैसे ज्वाइनिंग वोडिंग कर लिए, फिर मैंने दीदी लोग को कॉल किया था कि दीदी बताइए थोड़ा टिप्स बताइए ऐसा करके, फिर दीदी लोग ने बताया था कि थोड़ा सा ना यहाँ के लोग ना टीएनसी टीएनसी करते हैं, एक बार तो उसको देखना, वहाँ के टेस्ट सीरीज देखना, एक बार तो देखना वहाँ करके। फिर मैंने यूट्यूब में वीडियोज देखे, बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी है वहाँ पे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज वो देखे मैंने, फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया, फिर वहाँ पे हर सैटरडे जो फ्री जो टेस्ट आते हैं मैंने वो भी दिए, फिर मेरे को अच्छा लगा सर, फिर मैंने वो जो पैकेज है वो पास किया। फिर आपने सोचा कि यार टीएनसी के साथ आगे बढ़ा जाए और आपने टीएनसी के साथ एक कॉम्बो प्लान को परचेस किया और लगातार आप कंटिन्यूअसली बढ़ते गए, तो मुझे आज भी याद है कि आपके बहुत सारे शुरुआत में आपसे इंटरेक्शन हुआ था और थोड़ा सा टेक्निकल एरर भी था, तो बहुत बातें हुई थी आपसे शुरुआत में कि हाँ शिल्पा जी ये करना है ये करना है, और वो संघर्ष मुझे आज भी याद है, तो मुझे बताएंगे कि उस टेक्निकल को हेल्प करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम के जो साथ आपकी बातचीत हुई कैसा लगा? हाँ सर, सर ने अंकित सर थे, अंकित सर ने वो ग्रुप भी बनाया हुआ था कि यहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर करना, जहाँ फिर हमने मैंने शेयर भी किया, आपने अपनी आईडी भी मेरे को दी थी, मैंने आपके आईडी से भी टेस्ट दिया क्योंकि मेरे आईडी में थोड़ा इशू चल रहा था, फिर मैं आपकी आईडी से करती थी टेस्ट देती थी पूरा। बिल्कुल, बच्चों की हेल्प के लिए टीएनसी हमेशा रात और दिन काम करती है और आपकी आईडी के अंदर थोड़ा सा इश्यू आ गया था, तो मैंने बोला आपको एग्जाम से वंचित नहीं होना, मेरी आईडी आपको मैंने बना के दी थी कि इस आईडी से आप इस्तेमाल कीजिए, और आपने वो लगातार उस आईडी के साथ आपने कंटिन्यूअसली मेहनत की थी, तो बिल्कुल ऐसे जब एग्जाम देते थे तो नाम नहीं आता था, डियर भोजराज सर जी आपकी ये रैंक आ गई है। सर वो कभी कभी बीच में आता था, लेकिन क्या हो जाता था कि मेरे पास ना उतना टाइम नहीं हो पाता था, तो मैं उसको सबमिट कर देती थी, फिर बाद में जब मेरे को टाइम मिल पाता था तो मैं जो रात में जो रैंक की जो लिस्ट आती थी ना वहां से मैच करके देख लेती थी, कंपैरिजन कर देते और बिल्कुल बहुत बहुत ही बढ़िया। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस समय जैसे आपने बताया कि कॉम्बो प्लान वीडियो एमसीक्यू के साथ आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, तो मैं वीडियो रेजिस्टर के बारे में बात करना चाहूंगा, जो वीडियो रेजिस्टर थे वो कैसे लगे आपको? तब वीडियो रेजिस्टर बहुत अच्छे थे, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पूरे डिटेल्स, जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिटेल्स होते थे वो उसमें होते थे, और ऐसा नहीं एक ही में है, एक ही नहीं, ऐसा नहीं था कि एक ही क्वेश्चन में दूसरे में नहीं है, सारे सारे में होते थे वो चीज। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो प्लान के साथ वीडियो रेस्टल आपने लिया और उसके साथ आप लगातार आगे बढ़ते गए, तो वीडियो रेस्टल के साथ हमेशा आप आगे बढ़ रहे थे और कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे थे, तो वीडियो रेस्टल में क्या खास बात लगी और कौन से सर आपके फेवरेट सर थे? सर अभी सर थे उनकी सारी अभी सर की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। हाँ सर, अब अभी सर की जो क्लासेस है मैंने सर यूट्यूब में भी, अभी सर की जो एडवांस सीरीज है वो मैंने पूरा अटेंड किया एग्जाम होने तक, और यूट्यूब पे एग्जाम के पहले अभी सर ने ऑडियो भी उसमें शेयर किया था, वो सर मेरे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, उसमें सर ने बताया था कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें सर पूरा मतलब जो स्ट्रेस एंजाइटी था सर ने थोड़ा एकदम वो रिलैक्स कर दिया था कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस लेने से ज्यादा बिगड़ता है, ऐसा पूरा अच्छा। बहुत ही जबरदस्त, एग्जाम हॉल की बात करना चाहूंगा, एग्जाम हॉल के अंदर जब आप अपीयर हुए, एग्जाम हॉल के अंदर आप एग्जाम दे रहे थे और लगातार कंटिन्यूअसली आप एग्जाम हॉल में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कैसा लगा कि मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रही हूँ?
हाँ सर, वो तो वही लगा कि मैं डेली जो 100 प्रैक्टिस करती थी वो वही है, मैंने उसी के हिसाब से ही टाइम मैनेज किया, और जबकि मैं उसी के हिसाब से स्पीड में करती गई तो मेरे पास लास्ट का हाफ एन आवर बच भी गया था। उसे मैंने पूरा रिपीट भी, मतलब पूरा जो एग्जाम है, मतलब जो पूरा 100 क्वेश्चन है वो मैंने फिर से रिपीट भी देखा था। टू टाइम्स आपने रिपीट कर लिया था और बहुत ही शानदार बात। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, मेंस के एग्जाम की बात करना चाहूंगा कि मेंस में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हो गए और साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो गए। सर मैंने मेंस में 84 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें थे मेरे 70 सही हुए थे और 11 या 12 मेरे गलत हुए थे। बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा और बहुत ही सटीक आपने आंकड़ा लगाया और बहुत ही जबरदस्त रणनीति के साथ आपने अपना सिलेक्शन लिया। रिजल्ट आया और रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे आपके पास ऐसे ऐसे क्लू आए, बहुत सारे टीएनसी ने इंटरव्यू वहां पे जो क्वेश्चंस पुट किए थे, तो क्या लगा कि हाँ इस बार सिलेक्शन हो जाएगा या मैं इतनी अच्छी रैंक को हासिल कर जाऊंगी। सर लगा एग्जाम हो जाने के बाद जो मैंने वीडियोस देखे थे वहां ना, वहां से तो लगा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि अंडर 100 आ जाऊंगी। इवन सर मेरा जब रिजल्ट भी आया था ना, तो जब पीडीएफ फोन पे आया तो पीडीएफ मेरा फोन वो नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो मैं उसको लैपटॉप में ओपन करी, इसने हड़बड़ाहट में थी कि ना मुझे जो 78 है वो 0.78 दिखा, तो मैं इतना डर गई थी कि सबका तो 200 100 आ रहा है, सबका दिख रहा है, मेरा पॉइंट में आया है। फिर जो है फिर मैंने फिर से देखा, फिर मेरे को फिर से आराम से देखी कि 0.78 है कि 7-8 तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वैसा करके मैं फिर से देखी उसको, फिर सर 7-8 ही था, फिर मेरे को ठीक लगा। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार आपका इंटरव्यू ले रहा है और बहुत सारे बच्चे इस समय आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं कि किस प्रकार से हमें मेहनत करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट में मेरा एक बहुत ही जबरदस्त और कीमती सवाल है, हजारों बच्चे आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और इस हजारों बच्चे इंटरव्यू को देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि शिल्पा से भी अच्छी रैंक हमें हासिल करनी है, तो सारे बच्चे आपसे जानना चाह रहे कि एक ऐसा की पॉइंट, ऐसा एक सक्सेस मंत्र या ऐसा एक टिप्स दे दीजिए जिससे आपने तो टीएनसी के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, लेकिन हम जो अभी इस समय बेरोजगार बच्चे बैठे हैं वो चाहते हैं कि इस अगले आने वाले एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त रैंक को हासिल करें, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा। सर मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि जो है आज में पढ़ना है, लेकिन रिवीजन ज्यादा करने हैं, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो थ्योरीज में नहीं मिलते हैं ना वो क्वेश्चन में बहुत सारे मिल जाते हैं, और टीएनसी में जो क्वेश्चन जो आते थे उसमें नए नए क्वेश्चन के साथ हम लोग को उसके रैशनले भी वहां से मिल जाते थे, है ना, उससे हो जाता था। रिवीजन है सर, मस्ट रिवीजन है, तो सब चीज मतलब रिवीजन ही करना है। जब मेरे पास टाइम नहीं होता मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मैं रिवीजन ज्यादा करती थी, मैं मुश्किल से पूरे दिन में 3 से 4 ही घंटे पढ़ पाती थी। और लेकिन टीएनसी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही जबरदस्त नए नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये टीएनसी वाले यार इतने सारे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ले आते। सर आप लोग है जीनियस है सर आप लोग। बिल्कुल, और यही होता है भरोसा, कि जब हमेशा सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, और वो भरोसा क्योंकि टीएनसी की टीम हमेशा इतनी मेहनत करती है और पूरा एग्जामिनर के माइंड से क्वेश्चंस लेके आती है, तो एग्जाम में तो 101% आना ही आना होता है, तो बहुत जबरदस्त इंटरव्यू। टीएनसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब हाँ क्वेश्चन लेवल के हैं और उनको करना है। बिल्कुल, टीएनसी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जामिनर के माइंड से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपने लगातार कंटिन्यूअसली किया और बहुत ही जबरदस्त रैंक आपने हासिल किए। और आपने जो बच्चों को बताया कि टीएनसी के साथ हमेशा कॉम्बो प्लान जो आपने लिया उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो 100% श्योर सिलेक्शन लेंगे और शिल्पा से भी बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करेंगे। तो इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ जितने भी गुरुजनों ने आपको पढ़ाया है उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।